नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है मिस्टर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिनोस 2100 एप्पल A14 बायनिक इन दो चिपसेट्स की, और मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि कौन सा एसओसी आपके लिए बढ़िया है या फिर आपके कुछ और डाउट्स हो इन दोनों के एसओसी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड या स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फुल डीप कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है मानु प्रताप और मिस्टर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एसओसीज आपको 2021 के फ्लैगशिप एसओसी देखने को मिलते हैं, तो 5nm से नीचे की तो बात होने ही नहीं है। यहाँ पर दोनों ही एसओसीज आपको 5nm की फैब्रिकेशन पे देखने को मिलते हैं, और दोनों ही जो है सैमसंग की बनाई हुई 5nm की फैब्रिकेशन पे आते हैं। सीपीयू डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो सीपीयू डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको एक्जिनोस का जो 2100 वो 8 कोर वाले सीपीयू के साथ देखने को मिलता है, और एप्पल जो वो हमेशा की तरह 6 कोर वाले सीपीयू के साथ आपको देखने को मिलता है। डिटेल में बात करते हैं, यहाँ पर एक्जिनोस में आपको एक प्राइम कोर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परफॉर्मिंग कॉर्टेक्स X1 बेस जो कि 2.9 GHz पे क्लॉक है। बाकी के तीन आपको A78 बेस देखने को मिलते हैं 2.8 GHz पे, और बाकी के बचे हुए चार जो है वो एफिशिएंसी डिपार्टमेंट में 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ यूज होते हैं। एप्पल A14 बायोनिक की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 6 कोर्स में से 2 जो है वो परफॉर्मिंग कोर है, जो कि फायर स्टॉर्म बोलता है एप्पल इसे, और ये जो है 2.99 GHz या फिर हम कहें 3.0 GHz पे क्लॉक किए गए हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो आपको एफिशिएंसी डिपार्टमेंट में 1.8 GHz की क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 कोर और 6 कोर वाला डिफरेंस है, यानी 2 कोर आपको कम देखने को मिलते हैं एप्पल में, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको कम देखने को मिलती है। मैंने एक बात आपसे पहले ही की थी जब मैंने आपको एप्पल A14 बायोनिक और स्नैपड्रैगन 888 का कंपैरिजन करके बताया था कि यहाँ पर एक जनरेशन आगे वाला आपको 64-bit वाला आर्किटेक्चर एप्पल का देखने को मिलता है, क्योंकि एक साल पहले उसने बनाने शुरू करे थे, तो एक साल की लीड में है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो आपको बेटर देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू कोई भी फ्लैगशिप एंड्रॉयड वाला एसओसी या फिर स्नैपड्रैगन 888 हो या फिर एक्सिनोस 2100। तो यहाँ पर सीपीयू परफॉर्मेंस जो है वो आपको एप्पल के A14 बायोनिक में थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, माने या ना माने। बाकी हम जीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो जीपीयू परफॉर्मेंस में आपको जो है एप्पल के A14 में ज़्यादा बड़ा कोई बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। A13 से सिर्फ 8% बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस दी गई, और यहाँ पर 4 कोर वाला एप्पल का खुद का बनाया हुआ जीपीयू उसमें देखने को मिलता है। एक्सिनोस 2100 की बात करें तो यहाँ पर आपको माली का G78MP14 जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि एक 14 कोर वाला जीपीयू है, और जो है सैमसंग क्लेम करता है कि यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जीपीयू की वो 40% बेटर देखने को मिलेगी देन एक्सिनोस 990। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस बूस्ट है गेमिंग में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी 8% की लीड जो है एप्पल A14 ने बना रखी है, तो थोड़ा सा बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बट जो पहले गैप हुआ करता था इवन स्नैपड्रैगन 888 वर्सेस एप्पल A14 में भी, मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस गैप जो पहले बहुत ज़्यादा था वो अब कम हो जाएगा, हालांकि अभी भी A14 थोड़ा सा लीड करेगा। तो सेम केस यहाँ भी है, आपको एप्पल के A14 में गेमिंग परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी, बट जो एप्पल के A14 बायोनिक है वो अब कहीं ना कहीं एंड्रॉयड के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। यहाँ पर आगे बढ़े कैमरा की तरफ, तो यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में एप्पल आपको पता ही है कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, बट एप्पल के आईफोन्स के बेसिस में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको 12 MP का कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, 4K 60fps वाली वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है, 3 कैमराज मैक्सिमम हमें एप्पल के डिवाइस में आज तक देखने को मिले हैं, साथ ही साथ लाइडार सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सब सपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक्सिनोस 2100 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक नया इंटीग्रेटेड और बेटर ISP देखने को मिलता है, जो कि 6 कैमराज तक सपोर्ट कर लेता है, जिनमें से 4 कैमरा से आए हुए डेटा को साइमल्टेनियसली प्रोसेस भी कर सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अप टू 200 MP का कैमरा सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिलता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 4K 120fps या फिर 8K 30fps की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देता है। तो ये जो है आपको कैमरा डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो है हार्डवेयर वाइज एक्सिनोस 2100 और एप्पल A14 दोनों में ही देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर वाइज जो है आपको अब बात रह जाती है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो कितने अच्छी तरीके से आपके जो क्लिक किए हुए फोटोज़ हैं उन्हें प्रोसेस करता है, और मेन बात सॉफ्टवेयर की ही होती है, क्योंकि एप्पल के अलावा आप गूगल के पिक्सल फ़ोन के इमेजेस भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं 12 MP के रेजोल्यूशन के साथ ही। तो ये चीज़ें हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छी उनकी सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है फोटो प्रोसेसिंग की। आगे बढ़े यहाँ पर AI डिपार्टमेंट की तरफ, तो AI डिपार्टमेंट में सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा लंबी छलांग मारी है। यहाँ पर आपको 3 कोर वाला NPU देखने को मिलता है, न्यूरल प्रोसेसिंग इंजन देखने को मिलता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलती है। वहीं जो एप्पल है उसमें आपको 16 कोर वाला AI वाला NPU देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है 16 कोर काफ़ी ज़्यादा हैं।
एप्पल क्लेम करता है कि यहाँ पर आपको 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की एआई स्पीड देखने को मिलती है, वहीं सैमसंग ने क्लेम किया है कि 26 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड वाली आपको एआई स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ा लीड आपको देखने को मिलती है सैमसंग के एक्सिनोस 2100 में, बट 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस भी काफ़ी सही है और एआई परफॉर्मेंस में जो हार्डवेयर है वो डेफिनेटली एक्सिनोस 2100 का बेटर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जरा 5G कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही एसोसिएट्स आपको 5G वाले मॉडम का सपोर्ट देखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एप्पल A14 में इंटीग्रेटेड 5G मॉडम आपको देखने को नहीं मिलता है, वहीं जो एक्सिनोस 2100 में इंटीग्रेटेड 5G मॉडम है। दोनों ही मॉडम आपको mmWave और सब 6 GHz वाले 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं और जो स्पीड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। स्पेसिफिकली बात करूँ तो एप्पल के जो iPhone 12 है जिसमें 5G आपको देखने को मिलता है, उसमें Qualcomm का X55 वाला 5G मॉडम यूज़ किया गया है। स्पीड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो भी 5G कनेक्टिविटी है वो दोनों में ही आपको अच्छी देखने को मिलती है। वहीं मैं अगर मुझसे पूछेंगे आप पर्सनली, तो आपको सैमसंग की एक्सिनोस 2100 में थोड़ी बेटर 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि Qualcomm का X55 मॉडम जो है वो सेकेंड जनरेशन वाला मॉडम है, वो थोड़ा सा पुराना है, 1 साल पुराना एक्चुअली हो है मतलब कुल मिला के, और जो है आपको इतनी बेटर कनेक्टिविटी शायद ना दे, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं होगी बट एक्सिनोस 2100 के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी बेटर देखने को मिलती है एक्सिनोस 2100 में। अब यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ पर एंटूटू स्कोर्स और गीकबेंच स्कोर्स जो है एक्सिनोस 2100 के ऑफिशियल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा स्मार्टफोन ही नहीं है जो इस एसोसी को फिलहाल के लिए यूज़ करता हो। 14 तारीख को आपको एक्सिनोस 2100 सैमसंग की गैलेक्सी S21 सीरीज में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको बेंचमार्क्स ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगे। लीक्ड बेंचमार्क स्कोर्स की बात करता हूं, तो यहां पर जो है एक्सिनोस 2100 देखा गया है एट एंटूटू स्कोर ऑफ नियर अबाउट 6,70,000। वही मैं बात करूँ एप्पल A14 की, तो यहां पर इसका जो एंटूटू स्कोर है वो आपको 6,00,000-6,10,000 के आसपास देखने को मिलता है, काफी ज्यादा सही स्कोर है। और जो गीकबेंच स्कोर की बात करें तो यहां पर गीकबेंच स्कोर भी आपको काफी डिफरेंस में देखने को मिलता है। यहां पर जो सिंगल और मल्टी कोर स्कोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, दोनों ही एसोसिएट्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और एप्पल A14 आपको लीड में देखने को मिलता है। तो बेंचमार्किंग में यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि एंड्रॉयड में और iOS में अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम निकाल के लगा के जो है आपको एंटूटू स्कोर्स निकाल के दिए जाते हैं, गीकबेंच स्कोर निकाल के दिए जाते हैं, तो दोनों के जो स्कोर्स हैं उन्हें साइड बाय साइड कंपेयर नहीं किया जा सकता है, दोनों ही सिस्टम अलग हैं, तो जो उनमें बेंचमार्क करने का तरीका होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इस पे ना जाके आप रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे जाइएगा। और कुल मिला के यहाँ पर जो है, जो पहले मैंने कंक्लूजन आपको बताया था स्नैपड्रैगन 888 वर्सेस एप्पल A14 वाले एसओसी के कंपैरिजन में, कि आपको जो है एप्पल A14 अभी भी बेटर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बट जो पहले परफॉर्मेंस गैप कम था वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और आप जो है काफ़ी ज़्यादा नियर पहुंच जाएगा एप्पल A14 के परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और वर्डिक्ट यही है पूरा निकल के आता है कि एप्पल A14 अभी भी थोड़ा सा बेटर आपको एक्सिनोस 2100 से देखने को मिलेगा। ये ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में हमेशा एप्पल के चिप्स पीछे होते हैं, बट रियल लाइफ परफॉर्मेंस आपको बेटर हमेशा एप्पल के आईफोन्स में आईपैड्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये बात ऐसा मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं टेक एक्सपर्ट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स डीप में पढ़ चुका हूं और जो उनकी वीडियोस हैं वो भी देख चुका हूं और पिछले काफी ज्यादा लंबे टाइम से ये चीज ऑब्जर्व भी कर रहा हूं कि एप्पल की चिप्स भले ही ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में पीछे रह जाती हों, बट एप्पल की चिप्स जो है उनके डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, रियल लाइफ परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलती है। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि एंड्रॉयड की जो चिप्स होती हैं फ्लैगशिप वाली या कोई भी और चिप, उसका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है और आपको जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कायदे में प्रोवाइड करानी चाहिए उस चिप के साथ एक स्मार्टफोन को। बट एक्चुअल में बात ऐसी है कि चिप जो है एक कंपनी बनाती है, स्मार्टफोन दूसरी कंपनी बनाती है, एंड्रॉयड उठाया जाता है गूगल से, साथ साथ उस पर फिर अपनी कस्टम यूआई लगाई जाती है, तो कुल मिला के जो है एक सीमलेस एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता है जो कि एप्पल प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि हार्डवेयर भी उसी के हाथ में है, सॉफ्टवेयर भी उसी के हाथ में है, उसके पास पूरा पता है उसको कि उसका सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या कर सकते हैं जिससे कि बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी चीज़ें हैं कुल मिला के यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और अगर एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल के प्रोडक्ट की बीच में आप अगर कंफ्यूज थे और उसकी वजह से इस वीडियो को देख रहे थे, तो रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा रादर देन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, तो ज़्यादा खुश रहेंगे, आपका डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। और बस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, वीडियो टॉपिक को तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ जाके मुझे बता सकते हैं। पर्सनली बात करना चाहता है या कोई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं आया कि मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलना आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।